वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। दौलत के लिए वासना में डूबी महिला द्वारा अपने प्रेमी संग मिलकर अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार देने का मेरठ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम बच्चों को पहले नशे के इंजेक्शन लगाकर बेड के भीतर डाल दिया गया और फिर बाद में गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के उद्देश्य से दोनों के शव को प्रेमी कार में ले जाकर नहर में डालाया। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी पूर्व पार्षद सऊद को गिरफ्तार करते हुए शवों की तलाश तेज कर दी है। नहर में बताई गई जगह पर जाल डालकर दोनों मासूमों के शव खोजे जा रहे हैं। करीब 4 साल पहले पूर्व पार्षद सऊद के संपर्क में आई महिला का नाम निशा है। निशा का पति शाहिद बेग लाल कुर्ती पैंट में जूते की दुकान पर काम करता है। दोनों के 2 बच्चे थे, 10 वर्षीय मेहराब और 6 साल की कोनेन। दोनों सेंट जॉन्स में पढ़ते थे। यह परिवार खैरनगर गुलर वाली गली में रहता है। बुधवार की शाम निशा ने अपने पति को फोन पर सूचित किया कि दोनों बच्चे मिल नहीं रहे हैं, संभवतः उनका अपहरण हो गया है। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले व कॉल डिटेल की भी जांच पड़ताल की। जांच में पाया कि निशा व पूर्व पार्षद सऊद बराबर संपर्क में हैं। दोनों से पूछताछ हुई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। निशा ने पुलिस को बताया कि पूर्व पार्षद सऊद ने अपनी पत्नी छोड़ रखी है, वह माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसके पास काफी दौलत थी, मुझे दौलत चाहिए थे और सऊद को प्यार। इसके बाद दोनों नजदीक आ गए। अब पुलिस दोनों मासूम के शवों की तलाश नहर में कर रही है। तू तो है मर जो भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।